हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अगर श्रीनगर से आपको लेह तक रास्ते से जाना हो तो उसी बीच दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश यानी द्रास सेक्टर लगता है। वहाँ सर्दियों में बहुत ठंड और बर्फबारी होती है, इसी वजह से यह रास्ता साल के 4 महीने पूरी तरीके से बंद होता है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने यहाँ एक टनल निर्माण करने का प्लान बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कहाँ बनाई जाने वाली है ये टनल, क्या विशेषताएं होंगी इसकी, किस वजह से इस टनल का काम पूरी तरीके से ठप हो गया था और आगे जाके भारत सरकार ने इसके लिए क्या सोच रखा है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस टनल का निर्माण श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पे किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 11,500 फीट से भी ज्यादा की होगी, जो सोनमर्ग के बालताल से शुरू होकर द्रास सेक्टर के मीरामार तक जाएगी और यह जोजिला पास के नीचे से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से जोजिला पास से की जाने वाली यात्रा को अभी 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। वो यात्रा इस टनल की वजह से सिर्फ 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। अभी इस टनल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस टनल की कुल लंबाई 14.2 किलोमीटर की होगी, इसके वजह से यह एशिया की सबसे लंबी बाईडायरेक्शनल टनल बन जाएगी। इस टनल में बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि यह टनल पूरी तरीके से सीसीटीवी से लेस होगी, जिसको दोनों तरफ से मॉनिटर किया जा सकेगा। इसमें एक पूरा वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा और उसी के साथ इसमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई, ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट, इमरजेंसी लाइटिंग, वेरिएबल मैसेज साइन, टनल रेडियो सिस्टम और ओवर हाइट व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। उसके अलावा इस टनल में हर 250 मीटर पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस पैसेज बनाया जाएगा, जहां इमरजेंसी टेलीफोन और फायर फाइटिंग कैबिनेट्स मौजूद होंगे। उसी की तरह यहां मोटरेबल क्रॉस पैसेज भी बनाए जाएंगे, जो हर 750 मीटर के बाद होंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में इस टनल का काम शुरू होकर 2027 तक यह टनल पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगी। इस टनल का फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2018 में ही रख दिया था। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि अभी तक इस टनल का काम शुरू नहीं हो पाया? इसकी वजह थी, तभी इसका कॉन्ट्रैक्ट आयरलैंड एफएस कंपनी को दिया गया था, जिसने आगे जाकर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। और यह पहली घटना नहीं थी कि जोजिला टनल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ हो, इसके भी पहले इस टनल का कॉन्ट्रैक्ट आईआरबी को दिया था, जो कैंसिल किया गया। तो अभी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के मुताबिक 2020 के एंड तक टेंडर की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। पहले इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,800 करोड़ रुपए आकी गई थी, पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के बाद रिवॉइस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसके लिए कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाए गए, जैसे कि पहले एक मेन टनल बनने वाली थी और जिसके साथ एक एस्केप टनल बनने वाली थी, पर यह प्लानिंग हटाकर अभी एक जाने के लिए अलग और आने के लिए अलग टनल बनाई जाएगी। उसी तरह वर्टिकल शाफ्ट्स की संख्या में भी कटौती की गई है, ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 8,000 करोड़ के आसपास रख सके। पर इसी वक्त यह भी ख्याल रखा गया है कि टनल की सेफ्टी से कुछ समझौता ना करना पड़े। आपको क्या लगता है, भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इतना अग्रेसिवली पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो सही है या गलत, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।